Nacho, how are you? I hope everything is all right. And yes, I am here with new video for 2 months on figure of speech. दोस्तों figure of speech based on poetry और 1 month होता है वो identify करना होता है figure of speech कौन सा है और दूसरा mark होता है वो explain करना होता है figure of speech certain figure of speech क्यों है. So first of all figure of speech means होता क्या है. In all walks of life हम क्या करते हैं कुछ भी express करते समय literally और figuratively करते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और effectively लोगों तक पहुँच सके. So let's have an example. दोस्तों ये example तो हमने बचपन से पढ़ा है, right? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांद की चम्मच से चटनी चटाई. दोस्तों how beautiful it's for hearing. तो यहाँ पे word letter CCC repeat हो रहा है. In this way figure of speech is very interesting to learn. So let's begin with one by one. दोस्तों figure of speech, simile, metaphor, both figure of speech based on comparison between two things, where in simile direct comparison and in metaphor there is indirect comparison. In simile direct comparison with words like as and, for example, the man fought like a lion. यहाँ पे simile figure of speech है और man is compared to lion directly, right? And in metaphor, the man was a lion. Metaphor figure of speech as man is compared to lion indirectly. So, दोस्तों, this is how very simple figure of speech we will learn one by one in this video. So, watch the video till the end. बच्चों, see the next figure of speech है. Personification, human qualities given to a non-living things, non-human things. For example, fan is running. दोस्तों, fan run करता है क्या? No. So, the fan is running. Here, figure of speech is personification. Running is a human quality given to a non-human being thing that is known as a fan. So, we'll see next example. The moon is staring. दोस्तों, यहाँ पे personification है. As a staring is a human quality given to a non-human thing that is moon. दोस्तों, एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आएगा, आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है. लाइंस दिए रहेंगे, पोएटिकल लाइन उसमें से, और समटाइम्स यू नीड टू एक्सप्लेन दैट फिगर ऑफ स्पीच. सो यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे. बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इन्वर्जन. दोस्तों, वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. ग्रामेटिकल ऑर्डर कौन सा है? प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर एस प्लस वी प्लस ओ. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ वेंड द बलून. यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है बिकॉज वर्ड्स आर नॉट प्लेस इन प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. द प्रॉपर ऑर्डर इज द बलून वेंट अप. नेक्स्ट वन हाइपरबोल, वेयर ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है. ओके, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी क्राइड सो मच दैट रिवर्स दैट फ्लोइंग. ओके, ऐसा कभी होता है क्या किसी के रोने से रिवर्स फ्लो होने लगती है? नो. सो इट इज स्टेटमेंट ऑफ हाइपरबोल एंड ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. ओके, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई थॉट 1000 टाइम्स एंड देन टुक द डिसीजन. हियर हाइपरबोल एंड ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट? एंड इन दिस वे वी नीड टू एक्सप्लेन. बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, अलिटरेशन एंड रिपीटेशन. दोस्तों, हम बहुत टाइम इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच में कंपेयर कंफ्यूज हो जाते हो. वेर एवर लेटर्स आर रिपीटेड दैट इज नोन एज अलिटरेशन एंड वर्ड्स आर रिपीटेड दैट इज नोन एज रिपीटेशन. लेटर्स मीन्स एनी अल्फाबेटिकल लेटर रिपीटेड इन द लाइन्स दैट इज नोन एज अलिटरेशन. और वर्ड रिपीट होता है मीन्स वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 लेटर. ठीक है, तो वहीं पे हम रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है. नाउ सी एन एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन, फोर फूल्स फेल इन अ फाउंटेन. सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन है बिकॉज द लेटर एफ इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. एंड यहाँ पे रिपीटेशन में देखो, आई कैरी देम मैन एंड वेमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो.
repetition hai because the words I carry is repeated for poetic effect. I carry is repeated over here, right? Even though I carry. And I carry both time repeated. So, yahan pe even though letter I is repeated hai, lekin uske saath mein carry word bhi repeated hua hai. So, it is not example of alliteration. It's example of repetition. Dosto, yahan pe humko bilkul confuse nahi hona hai. Alliteration aur repetition mein. Bachcho, dekhte hain hum next figure of speech. Okay, wo hai onomatopoeia. Sounds written in a words. For example, down sang the bell with a gurgling sound. Onomatopoeia, gurgling sound is a sound written in words. Dosto, iska spelling thoda hard hai, isko hume by heart hi karna hai. Onomatopoeia. Okay, this is wo. Is for example, I will tell you dog is barking, like dog bo bo. We can't write it, okay, in the sentence. So what we write in the sentence? Dog is barking. Sound written in a words. Bell, bell ringing. So yahan pe kya hai? Ringing. It's a word. Yahan pe hum likh sakte bell ka jo awaaz aati hai, wo hum ringing ki tarah likhte hain, right? So this is known as onomatopoeia. Next figure of speech hai interrogation. Dosto, interrogation means a question sentence hota hai. For example, in statement itself, is anybody happier because you passed his way? Followed by question mark. So, statement mein question mark hota hai, to hum usko interrogation figure of speech bolte hai. Aur hum usko explain kaise karenge? Interrogation figure of speech, the sentence expresses a question. Very simple interrogation figure of speech. Bachcho, dekhte hai, next, inversion. Words are not in arranged in proper grammatical order. So, uska aur ek hum example dekhte hai. On the deck, the rower takes his stand. Yahan pe inversion figure of speech hai because words are not arranged in proper grammatical order. The correct order is the rower takes his stand on the deck. Yahan pe dubara inversion figure of speech liya hai kyunki hum ye bahut simple hai aur hum isme bahut time confused bhi ho jate hai. Now bachcho, dekhte hai next figure of speech, exclamation and apostrophe. Yahan pe exclamation figure of speech mein expression plus exclamatory mass hota hai. Apostrophe figure of speech mein expression plus somebody plus exclamatory mass hota hai. Ye thoda confuse karne wale dono figure of speech hai, to aapko thoda sa dhyan deke bachcho isko dekhna hai. For example, this is a wonderful palace. Exclamation, the sentence expresses a sudden expression. Okay, and here see the example of apostrophe. Oh God, help us. Apostrophe, the sentence express a sudden expression. Both be same hai, lekin yahan pe jo expression hai uske followed by exclamatory mass hai. Palace ke baad hai aur yahan pe oh God, my God, iske baad oh expression hai, uske baad ek word hai ya kuch hum add kar rahe, uske baad और एक्सक्लेमेटरी मास है. तो ये दोनों कंफ्यूज होने वाले हैं, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखो. एक्सक्लेमेशन मींस एक्सप्रेशन प्लस एक्सक्लेमेटरी मास, और एपिस्ट्रोपी वेयर एक्सप्रेशन प्लस समबडी और सम वर्ड्स एडिशनल वर्ड प्लस फॉलोड बाय एपिस्ट्रोपी मास. सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेशन. एग्जांपल, आई गॉट A in my report. So, yahan pe exclamation mark hai. Hey moon, give us some moonlight. Okay, yahan pe apostrophe hai. To abhi yahan pe aap bilkul confused nahi hona hai in this figure of speech. Now, let's see the next figure of speech, climax and anticlimax. Words are arranged in ascending order is known as climax, and words are arranged in descending order is known as anticlimax. For example, see, she walked, ran and conquered. She walked, ran and conquered. वो भागी, वो दौड़ी और जीत गई. Climax कैसा है? The words are arranged in ascending order of the priority. Match की concept है. हम पहले से सीखते आ रहे हैं ascending order, descending order. And यहाँ पे देखो, he lost his wife, ring and wallet. Anticlimax है, the words are arranged in descending order of priority. So, climax, anticlimax. Opposite to climax, there is anticlimax. Climax, ascending order. Anticlimax, descending order. Very simple to learn. Very simple to understand.
Now, what you देखते हैं next figure of speech. Next figure of speech है antithesis and oxymoron. ये जो दो figure of speech है little bit similar है. Antithesis में exact words are, exact opposite words are used and in oxymoron opposite ideas, feelings are conveyed. यहाँ पे words use होते हैं, उसमें क्या होता है oxymoron में opposite ideas अगर feeling conveyed होते हैं, दोनों भी यहाँ पे figure of speech आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा तो antithesis है, ये oxymoron है, तो हम इसको example के साथ समझते हैं, exactly दोनों में क्या difference है. यहाँ पे देखो example, united we stand, divided we fall. यहाँ पे antithesis है, because united and divided are exact opposite words to each other, right? Exact opposite word है united, divided, opposite word. See the oxymoron figure of speech. Life is full of painful joy. दोस्तों यहाँ पे देखो oxymoron figure of speech है, painful and joy conveyed opposite ideas है. Similar meaning है. Sorry, similar meaning नहीं है, painful और opposite ideas है, directly, exactly word नहीं है. So, this is basic between antithesis and oxymoron. इसके बीच में भी आपको बिल्कुल confused नहीं होना है. Let's see, next example of oxymoron. You are a big baby now. Oxymoron figure of speech है, big and baby convey opposite ideas, right? So, let's see the next example, pun. दोस्तों वर्ड कन्वेइंग डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल द फिगर ऑफ मैथ टीचर इज गुड. पन द वर्ड फिगर कन्वे टू मीनिंग, दैट इज नंबर और बॉडी शेप. दोस्तों यहाँ पे देखो द फिगर ऑफ मैथ टीचर इज गुड. हियर अब दो मीनिंग से एम्बिग्यूटी मीनिंग है, डबल मीनिंग से बात करो, राइट? बिकॉज यहाँ पे द वर्ड फिगर कन्वे टू मीनिंग. एक फिगर तो नंबर हो सकता है और एक फिगर तो बॉडी फिगर भी हो सकती है मैथ्स टीचर की. इसको हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से. आई हैव गॉट अ डेट. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, पन है. वर्ड डेट कन्वेज टू मीनिंग, दैट इज अपॉइंटमेंट. अदरवाइज सेकंड मीनिंग ऑफ डेट इज अ पार्टनर. सो इन दिस वे दिस फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज वर्ड कन्वे डिफरेंट मीनिंग, दैट इज नोन एज पैराडॉक्स. ओके, यहाँ पे ट्रूथ इज रिवील इन रिडिकुलस मैनर. ट्रूथ बताया जाता है लेकिन रिडिकुलस मैनर से बताया जाता है. ट्रूथ बताया जाता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग से बताया जाता है. देखो एग्जाम्पल है द इंजॉयमेंट ऑफ पिकनिक इज टाइम टू रिटर्न होम. पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रूथ इज रिवील इन अ रिडिकुलस मैनर. Enjoyment of picnic is time to return home. तो ये बताया है, enjoy तो किया है लेकिन it's a time to return home. So paradox figure of speech, truth is revealed in ridiculous manner. Next example देखते हैं. A teacher must be cruel. Paradox है, truth is revealed in ridiculous manner, isn't it? बच्चों देखते हैं speech metonymy. देखो यहाँ पे word when main word is substituted with another word, main word को substitute word दिया जाता है. For example, he is addicted to bottles. Metonymy figure of speech है. The word bottles is substituted for the word alcohol, right? यहाँ पे अच्छी तरह से समझो. Bottles उसके लिए substitute word कौन सा है? Alcohol हो सकता है. He is addicted to bottles. No manner कि वो bottle ही हो या really bottle हो या alcohol का bottle हो. So word is substitute to the another, एक word के लिए दूसरा word दिया जाता है. So this is known as a metonymy figure of speech. बच्चों देखते हैं next figure of speech. Next है synecdoche. ओके, ये क्या होता है? When a part thing indicates a whole thing and vice versa. For example, India won the match. Synecdoche figure of speech है, India is a whole thing indicating a team of some player. ओके, India won the match. लेकिन India किसके लिए indicate करता है? India here, India word is used in reference of the players, right? When part thing indicates a whole thing और वॉइस वर्सा. पार्ट थिंग होल थिंग के लिए यूज किया जाता है या होल थिंग पार्ट थिंग के लिए यूज किया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों. माय फीट स्वेल डांसिंग. सिनेक्डोर फिगर ऑफ स्पीच है, फीट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी इंडिकेटिंग अ होल बॉडी, राइट? माय फीट वेयर डांसिंग. फीट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी इंडिकेटिंग अ होल बॉडी. यहाँ से फीट रिलेटेड टू बॉडी भी है,
और इंडिकेटिंग फुल बॉडी भी होता है. सो बच्चों देखते नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट है इफ्यूमिज्म. ओके, हार्श फैक्ट ऑफ डेथ इज एक्सप्रेस. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, सूनर हिज बॉडी बिकेम कोल्ड, इफ्यूमिज्म है. हार्श फैक्ट ऑफ डेथ इज एक्सप्रेस ओवर हियर. बच्चों नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते ट्रांसफर्ड इफिटेड. एडजेक्टिव्स ट्रांसफर टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल द नाइट वॉज डेंजरस. ओके, एडजेक्टिव इज ट्रांसफर टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. ट्रांसफर इफिटेड क्या है? डेंजरस इज एन एडजेक्टिव गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग दैट इज नाइट. बच्चों देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज इमेजरी. क्रिएट्स अ मेंटल पिक्चर और फिजिकल सेंसेशन. फॉर एग्जाम्पल द ट्री वॉज थ्री टाइम्स टॉलर देन द हॉर्स. इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है. इट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज ऑफ ट्री एंड द हॉर्स. देखो पिक्चर से किससे कंपेरिजन हो रहा है? फिजिकल पिक्चर से कंपेयर हो रही है. फिजिकल सेंसेशन भी हमें इससे मिल रहा है. सो यहाँ पे इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है. बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं. द अरोमा ऑफ बासमती राइस फिल द एयर. इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है. इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ गुड स्मेल. एरोमा, एरोमा से हम स्मेल से हम उससे कंपेयर कर सकते हैं विद बासमती राइस विच फिल इन एयर. सो यहाँ पे इमेजरी है बिकॉज इट क्रिएट सेंसेशन ऑफ गुड स्मेल. नाउ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट वन. एंड दिस इज हाउ ऑल फिगर ऑफ स्पीच इन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, स्टे ट्यून्ड विद बालुश एजुकेयर. एंड इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस फॉर द फिगर ऑफ स्पीच.